वेलकम टू क्लियर इन इंडिया। अभी हम जामिया मिलिया इस्लामिया के कैंपस के बाहर हैं। जामिया के छात्र लगातार ये विरोध कर रहे हैं, ये आवाज़ उठा रहे हैं कि कैंपस जो बंद है कोविड की वजह से उसे खोला जाए। जब छात्र ये मांग करते हैं कि कैंपस को खोला जाए तो वो ये भी दावा करते हैं कि जब इस देश के अंदर अलग अलग तरह के इलेक्शंस हो रहे हैं, इस देश के अंदर अलग अलग तरह से भीड़ जो है इकट्ठी हो रही है, कोविड के पालनों की अगर वाकई कोविड 19 इतना इफेक्टिव और इतना प्रभावशाली है तो दूसरी तरह से क्यों पालना नहीं की जा रही है, सिर्फ कैंपस के ऊपर ही पहरा क्यों लगाया जा रहा है, कैंपस ही सिर्फ बंद क्यों है, इसी सवाल को लेकर जामिया के छात्र लगातार विरोध कर रहे हैं। जामिया मिलिया इस्लामिया के अंदर प्रदर्शनों, विरोध की आवाज़ों का एक अलग इतिहास रहा है। पिछला साल जो गुजरा है आपने देखा होगा, उसके बाद जामिया के कैंपस के बाहर एक विरोध प्रदर्शन होना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, यहाँ छात्रों का इकट्ठा होना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जब जामिया के छात्रों ने ये कॉल दिया कि वो रीओपन जामिया कैंपस के नाम से विरोध प्रदर्शन करेंगे, उससे पहले जामिया के कैंपस के जो VC का एक द्वार है जहाँ से VC के ऑफिस की तरफ जाया जाता है, उसके बाहर सुबह से बहुत बड़ी संख्या में बैरिकेड लगा दिए गए थे, पुलिस यहाँ पर इकट्ठी हो गई थी, जो कि बदस्तूर पहले भी होता रहा है, अब फिर से वो हो रहा है। यहाँ पर बहुत से छात्र इकट्ठा हैं। हमारे साथ जामिया के कुछ छात्र हैं, हम उनसे बात करना चाहेंगे कि आखिर क्यों वो इस कैंपस को खुलवाना चाहते हैं और जब कोविड का दौर चल रहा है तो क्यों जरूरत महसूस हो रही है उनको कैंपस खुलवाने की, क्या जरूरत है कि आपको कैंपस खुलवाने की मांग कर रहे हैं? क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाई सही से नहीं हो पा रही है, बहुत सारे नेटवर्क इशूज प्रॉब्लम्स आ रहे हैं और हर जगह पे जब काम हो रहा है तरीके के मुताबिक, किसान प्रोटेस्ट चल रहा है या फिर हर तरफ चल रहा है, हमारे जामिया मतलब यूनिवर्सिटीज को बंद करने में क्या प्रॉब्लम है सरकार को, सबसे बड़ी बात ये। सरकार ये कह रही है कि कोविड की वजह से, एक जो कोविड का फैलाव है वो सामूहिक तौर पे इकट्ठा होने की वजह से होता है, जब क्लासेस में स्टूडेंट्स आकर बैठेंगे तो कोविड जो है वो ज़्यादा फैलेगा और जो बच्चे हैं उनको अगर कोविड से वो संक्रमित होते हैं तो वो घरों को जाएंगे और घरों में वो बढ़ेगा, पूरे एक सोसाइटी इसे संक्रमित हो जाएगा, तो इसलिए सरकार ये कहते हुए कैंपस को नहीं खोल रही है। क्या आपको लगता है कि यही वजह है? नहीं, सरकार झूठी है। मुझे सरकार ये बताए कि कौन सी जगह प्लेसेस नहीं चल रहे हैं, कौन सी, आप देख लीजिए पूरे हिंदुस्तान का दौरा कर लीजिए, इस कोने से उस कोने, पश्चिम बंगाल में फिलहाल में चुनाव हो रहा है, वहाँ पे गैदर हो रहे हैं लोग, वो ज़्यादा फैलाएंगे घर पे नहीं जाएंगे, वो घर पे या बाहर ही रहेंगे, स्टूडेंट्स तो काफ़ी हद तक इसका लिहाज रखते हैं। हाँ, इसके पीछे सबसे बड़ा पॉलिटिकल कारण यही है कि मतलब स्टूडेंट्स अवेयर होते हैं, वो कहीं ना कहीं लोगों को बताते हैं, अवेयर करते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो है उनको प्रॉब्लम स्टूडेंट्स है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम SIU और ISA और SFI के बच्चों ने आवाज़ दिया, हमारे सभी डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं, मैं खुद ह्यूमैनिटीज एंड लैंग्वेजेस से हूँ, मैं आया था किसी काम से यहाँ पे डिपार्टमेंट, लेकिन वहाँ पे मतलब एक तुगलकी फरमान यहाँ पे जारी कर दिया, आज मंडे है, आप बताइए किस हिसाब से कौन सी हॉलीडे है, छुट्टी है, उन्होंने कह दिया कि आज छुट्टी है, जामिया मतलब बंद है। हमारा मांग क्या है? हमारा मांग तो सिर्फ इतना है ना कि आप लाइब्रेरी खोल दीजिए, हमारा मांग सिर्फ इतना है कि आप कैंपस धीरे धीरे खोलिए, एक फेस में आप नहीं खोल सकते मुझे पता है, आप फेस वाइज खोलिए लेकिन आप खोलिए, चूँकि और वो भी इसलिए कि यहाँ पे जितने स्टूडेंट अभी इकट्ठा हुए हैं, ये स्टूडेंट आपको मालूम होना चाहिए कि ये एक्टिविस्ट नहीं है, ये वो स्टूडेंट जो काम कॉमन छात्र हैं, ये अपने डिपार्टमेंट के जो है कोई जनरल सेक्रेटरी है, कोई ज्वाइंट सेक्रेटरी है, कोई CR है, ये लोग जो है अपनी पढ़ाई के लिए यहाँ पे आए हुए हैं, तो आपको कोरोना दिख रहा है, सब ना दिखता है। हमारी VC मैम और हमारे जो देश का प्रधानमंत्री है उनको आप जानते हैं कि उनको इन छात्रों से, इनके सवाल से उनको जो है डर है कि ये पढ़ लिख लेंगे तो ये सवाल करेंगे, और उस सवाल से बचने के लिए इनके पास एक ही जो है रास्ता है और वो है कि एजुकेशन इदारे जितने भी है, इतने भी इदारों उसको बंद रखो, ना ये बच्चे पढ़ेंगे और ना सवाल करेंगे। देखिए मसला ये है कि अभी फर्स्ट जो है प्रोटेस्ट हम लोगों ने किया उसमें इन लोगों ने नहीं सुना, दूसरा प्रोटेस्ट किया उसमें ये हुआ कि लाइब्रेरी खुली लेकिन हाफ लाइब्रेरी खुली, यहाँ पे भी उन्होंने भेदभाव से काम लिया। अब जामिया में जो है, जामिया में 250 कोर्सेज हैं और उन 250 कोर्सेज में जो है सोशल साइंस, साइंस और हर तरह के, लेकिन इन्होंने साइंस वाले बच्चों के लिए लैब खोल दिया है, लाइब्रेरी खोला है, लेकिन जो सोशल साइंस और आर्ट्स के स्कॉलर हैं उनके लिए लाइब्रेरी नहीं खोला है। क्या वो जामिया के स्टूडेंट नहीं है?
वो जो है यहाँ पढ़ने नहीं आए, उनको रिसर्च नहीं करना है, तो उनके लिए नहीं खोला जा रहा है। हमारा साफ मांग है कि आप लाइब्रेरी पूरा खोलिए और सबके लिए खोलिए, बस इतनी सी मांग है। बटला हाउस जाकिर नगर ओखला के जो पब्लिक लाइब्रेरी हैं उसमें जो है बच्चे मजबूर होकर के 1500-1000 रुपया दे करके वो जो है पढ़ाई कर रहे हैं, जो बच्चे जो है अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। ये देखिए, ये तो हमारा हक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है राइट है हमारा कि जब जब हमें गलत लगेगा उसके खिलाफ हम आके आवाज़ उठाएंगे। यूनिवर्सिटी में हमें यही पढ़ाया गया है और ये हर एक शख्स को चाहिए कि जब भी जो है, भगत सिंह ने कहा था कि जब संसद जो है आवारा हो जाए तो लोगों को चाहिए कि वो जो है रोड को, सड़क को जो है क्या बोलते हैं, आबाद करें। उसी तरह हमारा ये नारा है कि जब जब जो है एडमिनिस्ट्रेशन अपने रूम में, अपने चैम्बर में बैठ करके गुंडागर्दी शुरू करेंगे, वब हम आकर के इनको जो है मुंहतोड़ जवाब देंगे और अपना हक मांगने के लिए, छीनने के लिए हम हमेशा प्रोटेस्ट करेंगे। ये बिल्कुल भी आसान नहीं है, जिस तरीके से आप स्टेट रिप्रेशन देख सकते हैं बाहर और इंटिमिडेशन देख रहे हैं कि पुलिस की इतनी तादाद है स्टूडेंट्स को कैंपस ना आने के लिए, यहाँ बैरिकेडिंग लगा रखी है, जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए बनी होती हैं उन पर बैरिकेड्स लगा दिए जाते हैं और पुलिस पूरी तरफ से घेर लेती है स्टूडेंट्स को, तो कहीं ना कहीं डराने की एक बहुत बड़ी कोशिश है। और यहाँ बसेस मंगा रखी हैं बच्चों को डिटेन करने के लिए, तो ये सारा मतलब एक डिसेंट को क्रश करने की एक कोशिश है। पिछली बार हम 17 फरवरी को और उसके बाद 22 फरवरी को यहाँ आए थे, बाकायदा हमने दो समय इनको मेमोरेंडम सबमिट किया है जिसपे प्रोक्टोरियल टीम ने स्टैंप लगा के दी है वाइस चांसलर के, और बोला था कि एक हफ्ते के अंदर अंदर आपकी लाइब्रेरीज खुल जाएंगी। आज 3 हफ्ते हो चुके हैं, 1 साल पूरा हो चुका है, आज की तारीख को ही पिछले साल कैंपस बंद हुआ था और अभी तक इन लोगों ने कोई हमें जवाब नहीं दिया। जब हम जवाब मांगने गए तो इन्होंने हमें धमका के डरा के भेज दिया था, तो आज हम तादाद में आए हैं अपनी बात रखने के लिए। छात्रों का ये कहना है कि यूनिवर्सिटीज सवाल करती हैं, विश्वविद्यालयों के जरिए सवाल होता है, सरकार की नीतियों पर सवाल होता है, यहाँ के छात्र सवाल करते हैं, इसलिए यूनिवर्सिटीज़ को बंद किया हुआ है। अगर कोरोना ही एक कारण होता तो जो देश में चल रहा है, चुनावों की शक्ल में हो या सिनेमा की शक्ल में हो या कहीं भी किसी भी तरह से भीड़ इकट्ठे होने की शक्ल में, हर चीज़ें यथावत उसी तरह से चल रही हैं जिस तरह से पहले नॉर्मल डेज में चलती थी। तो कैंपस एक ऐसी जगह क्यों है जिस पर ताला लगाया हुआ है? कैंपस में जब ताला लगा हुआ है तो जामिया मिलिया इस्लामिया इसमें खास तरह से देखा जाता है, क्योंकि ये कैंपस पिछले 1 साल से नहीं खुला है। पिछला साल इस कैंपस के छात्रों के लिए बहुत अच्छा नहीं गुजरा था, ये साल भी छात्रों के, इस यूनिवर्सिटी के छात्रों के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं गुजर रहा है। ये वही यूनिवर्सिटी है जहां 15 दिसंबर को जामिया की लाइब्रेरी में जो भी कुछ हुआ आप जानते हैं क्या हुआ था, उसके बाद से खास तौर पे जाकिर हुसैन जो लाइब्रेरी जामिया की है उसको छात्रों ने यूज़ नहीं किया है। आज फिर से जामिया के जो छात्र हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट के छात्र हैं, यहाँ इकट्ठा हुए हैं और यही सवाल कर रहे हैं कि हमारा कैंपस कब खुलेगा, हमारी जो पढ़ाई का अधिकार है, हमारी जो शिक्षा लेने का अधिकार है, कैंपस में घूमने फिरने और बैठने का अधिकार है, वो हमें कब लेने दिया जाएगा। इसी कैंपस में कुछ छात्र ऐसे भी हैं जो 1 साल के कोर्स में दाखिला लिए हैं लेकिन आज तक उन्होंने कैंपस की शक्ल तक नहीं देखी है, तो ऐसे छात्रों को जवाब आखिर कौन देगा?